ये है गुजराती मूवी वश, जिसे 3.5 करोड़ के बजट में बनाया जाता है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके बुरी तरह फ्लॉप रहती है। इसके बाद बॉलीवुड की नजर इस मूवी पर पड़ती है और फिर वश को रीमेक करके शैतान बनाया जाता है, जिसका बजट 50 से 60 करोड़ का होता है और ये मूवी सिर्फ 7 दिनों में ही 75+ करोड़ का कलेक्शन कर दिखाती है। अब एक तरफ गुजराती मूवी वश है जो ढंग से अपना बजट भी कवर नहीं कर पाती है और दूसरी तरफ इसका रीमेक शैतान जो रिलीज होते ही सुपरहिट हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहला रीजन है लिमिटेड बजट और ऑडियंस। अब वश जो यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ रिलीज तो होती है, मगर रीजनल सिनेमा में इस जोनर की मूवीज को पसंद करने वाली ऑडियंस बहुत लिमिटेड है। हाँ, शायद ये मूवी हिंदी में रिलीज होती तो इसे मोर ऑडियंस और मोर रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती थी, मगर ऐसा नहीं होता है। ये मूवी हिंदी में रिलीज ही नहीं होती, मगर क्यों? इसका कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं है, मगर आप मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बात सिंपल है। अब तक जो भी मूवी पैन इंडिया में सक्सेसफुल रही है वो अपने होम ग्राउंड से स्ट्रॉन्ग कलेक्शन करती है, मगर वश के केस में डिफरेंट था, जहां वश अपने होम ग्राउंड से ही लो कलेक्शन करती है। हालांकि मूवी को सोशल मीडिया पे अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, मगर वो सपोर्ट ऑनलाइन तक ही सीमित था, ऑन ग्राउंड कलेक्शन उतना हो नहीं रहा था। और तभी एंट्री होती है अजय देवगन की, जहां देवगन प्रोडक्शन ने वश के राइट्स को परचेज कर लिया होता है। ये कि आप लोग अजय देवगन को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, मगर वश के मेकर्स के लिए अच्छा था। अब वो कैसे? वीडियो में बने रहो, आप अपने आप ही जान जाओगे। अगला रीजन है यूनिक कॉन्सेप्ट। किसी भी मूवी को स्टैंड आउट उसका यूनिक कॉन्सेप्ट बनाती है, मगर वश के केस में डिफरेंट था। एज अ गुजराती, गुजराती सिनेमा के अंदर दो ही जॉनर काफी पॉपुलर है, कॉमेडी और एक्शन। फिर भी कृष्ण देव याग्निक जो वश के डायरेक्टर है, वो अपने कम्फर्ट जोन को छोड़कर न्यू जॉनर एक्सप्लोर करते हैं। ये गुजराती कॉमेडी कल्ट मूवी छिल्लो दिवस, करसन दास पे एंड यूज और नाड़ी दोष जैसी सक्सेसफुल मूवी बना चुके हैं। इसमें से करसन दास पे एंड यूज तो बहुत ही कमाल की मूवी रही है, एंड इन मूवी को ग्लोबली ऑडियंस के बीच जरूर लाना चाहिए, पर पता नहीं कब होगा। फिर भी कंफर्ट जोन से हटकर कृष्णदेव याग्निक पॉलिटिकल थ्रिलर जॉनर की मूवी बनाते हैं राड़ो। सच कहता हूँ, इस लेवल का थ्रिल बहुत ही कम मूवीज के अंदर मैंने फील किया है। जरा सोचिए, 8 करोड़ में बनी राड़ो ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया होगा? 5 करोड़, 10 करोड़, जी नहीं, सिर्फ 1.85 करोड़। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर डिजास्टर रहती है। अब ना तो ये मूवी OTT पर अवेलेबल है और ना ही बॉलीवुड के अंदर इसका रीमेक हुआ है। खैर, किसी और वीडियो में मूवी पे डिटेल में बात करेंगे। राड़ो के डिजास्टर होने के बाद कृष्णदेव याग्निक फिर से यूनिक कॉन्सेप्ट पर मूवी बनाते हैं वश, जो अगेन कृष्णदेव याग्निक की एक और मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती है। ऑब्वियसली मेकर्स को एक के बाद एक फाइनेंशियली लॉस होते हैं, बट थैंक्स टू अजय देवगन जो वश के राइट्स को परचेज करते हैं और मेकर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। साथ ही एक्ट्रेस जानकी बोड़ीवाला को शैतान मूवी का भी पार्ट बनाते हैं। अगर शैतान रिलीज ना होती तो राड़ो के जैसे वश के बारे में भी कोई बात नहीं करता। ये देखकर आपको जनता पर ही गुस्सा आ रहा होगा कि हमें अच्छी मूवीज की कदर ही नहीं है। हाँ, आप राइट हो, पर क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? वीडियो में बने रहो, आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा। अब देखा जाए तो इंडियन मूवीज में रीमेक्स तो आए दिन रिलीज होते रहते हैं, तो फिर शैतान ने ऐसा क्या खास किया था? पहला रीजन है रीमेक एडवांटेज। नो डाउट वश एक कमाल की मूवी थी और इसी वजह से वश मूवी को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला था। ऑडियंस इस मूवी को पसंद कर रही थी, बस कमी थी तो इसके हिंदी वर्जन की, और तभी देवगन फिल्म इसका हिंदी रीमेक अनाउंस करते हैं। भाई, अजय देवगन ये बंदा मूवीज का मास्टरमाइंड है, ये जानते हैं कि रीमेक्स को कैसे बेचना है। इन पर एक अलग डिटेल वीडियो भी बनाएंगे कि इनके रीमेक्स ही क्यों सक्सेसफुल होते हैं। अब रीमेक की अनाउंसमेंट ऑडियंस के बीच शैतान के लिए हाइप क्रिएट कर देती है, क्योंकि वश ना ही हिंदी में अवेलेबल थी और ना ही किसी OTT प्लेटफॉर्म पर, तो हिंदी ऑडियंस ने इस मूवी को एक्सप्लोर ही नहीं किया था और ये शैतान के लिए प्लस पॉइंट था। वहीं अगला पॉइंट शैतान को देखने के लिए और भी एक्साइटेड कर देता है, जो है इसकी स्टार कास्ट। अजय देवगन, आर माधवन, जो डेडली कॉम्बो प्रेजेंट किया है वो कमाल है। स्पेशली आर माधवन तो अपने कैरेक्टर को खा गए हैं, स्क्रीन पर देखते टाइम उनसे डर फील हो रहा था, मतलब वो जीत चुके हैं। वहीं ज्योतिका एंड जानकी बोड़ीवाला, इन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छा किया है, और इसी के साथ मेकर्स ने मूवी की अच्छी खासी मार्केटिंग भी की है, जो ऑडियंस को एक बार शैतान देखने के लिए मजबूर तो कर देती है। मगर इसमें वश जैसी रीजनल मूवीज का क्या फायदा? उनको तो लॉस में ही जाना पड़ रहा है ना। तो कंतारा, कार्तिके और दमन, ये कुछ ऐसी मूवीज रही हैं जिन्होंने रीजनल मूवीज की बाउंड्री को क्रॉस किया है और जनता ने भी इन्हें पूरे दिल से अपनाया है। तो जरूरत है तो बस मूवीज को सच्चे दिल से बनाने की, उन्हें एक लेवल अप करके पैन इंडिया
है रिलीज करने की। आज के टाइम ऑडियंस काफी एक्टिव हो रही है, वो ओरिजिनल एंड डिजर्विंग कंटेंट को सपोर्ट कर रही है, और जो मूवीज ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है उन्हें साउथ की मूवीज की तरह डब करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर टीवी पर रिलीज करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के हर एक राज्य का अपना अलग कल्चर है और उनकी अपनी कहानी, और जब वो जनता के सामने आएगी तभी तो उन्हें एहसास होगा कि बजट नहीं कहानी मैटर करती है। वैसे वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप रीमेक मास्टरमाइंड अजय देवगन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना।